अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इस्कीमिक हार्ट डिजीज। इस्कीमिक हार्ट डिजीज एज द नेम सजेस्ट इस्कीमिया विच मीन्स रिडक्शन इन द ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट। सो इस्कीमिक हार्ट डिजीज इज अ डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय रिडक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स, यूजुअली ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इस्कीमिक हार्ट डिजीज इज ऑल्सो नोन एज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इस्कीमिक हार्ट डिजीज जो होती है उसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी कहा जाता है, क्योंकि ये आर्टरी डिजीज से रिलेटेड होती है। इसमें क्या होता है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज में जो है वो हार्ट तक ब्लड सप्लाई जो है वो नॉर्मली नहीं जा रही होती, कम जा रही होती, जिसकी वजह से जो हार्ट के मसल्स होते हैं जिसे मायोकार्डियम कहते हैं, उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जितनी होती है वो फुलफिल नहीं हो पा रही होती, पूरी नहीं हो पा रही होती। इसके अलावा जो बाकी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ज़रूरी मायोकार्डियम के लिए, वो भी पूरे नहीं हो पा रहे होते, चूँकि ब्लड सप्लाई कम जा रही होती है हार्ट तक। तो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की क्या वो हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, एंजाइना हो सकता है और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है। ये दो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की टाइप हैं, एंजाइना और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। एंजाइना के भी फर्दर सब टाइप्स होती हैं, जिसमें स्टेबल एंजाइना होता है, अनस्टेबल एंजाइना होता है, वेरिएंट एंजाइना होता है, डेक्यूबिटस एंजाइना होता है और नॉक्टर्नल एंजाइना होता है। ये सारे एंजाइना की टाइप्स हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में होता है एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होते हैं। अब ये हमारे पास एक पिक्चर है जिसमें इसमें कोरोनरी आर्टरी दिखाई गई है। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ भी कहा जाता है इसको, क्यों, क्योंकि इसमें जो हार्ट को ब्लड सप्लाई दे रही होती है कोरोनरी आर्टरी होती है, उसमें या तो प्लाक फॉर्मेशन हो जाता है। मोस्टली जो मोस्ट कॉमन केसेस होते हैं उसमें जो होता है वो क्या होता है, प्लाक फॉर्मेशन हो जाती है कोरोनरी आर्टरी में। अब कोरोनरी आर्टरी, जैसे आर्टरी की तीन लेयर्स होती हैं, सबसे आउटर मोस्ट जो होती है वो एक्सटर्नल होती है, फिर उसके बाद मिडिल मोस्ट जो होती है वो होती है मीडिया, मीडिया लेयर होती है, फिर जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है आर्टरी की जो कि ल्यूमन से अटैच कर रही होती है, वो होती है इंटिमा। इंटिमा में क्या होता है, प्लाक फॉर्मेशंस बनना शुरू हो जाते हैं। ये जो येलो कलर के नज़र आ रहे हैं प्लाक हैं। प्लाक क्या होते हैं, प्लाक होते हैं डेपोजिशन हो रही होती है फैटी एसिड्स की और कोलेस्ट्रॉल्स की, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी की जो पैसेज वे है जहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा होता है वो नैरो होना शुरू हो जाता है और ब्लड सप्लाई जो है वो हार्ट तक कम जा रही होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं हार्ट मसल्स की, मायोकार्डियम की, वो भी कम हो रही होती है। अब एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, यानी कि कॉजेस और रीजंस। अब मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, कार्डियोवैस्कुलर मॉर्बिडिटी का मतलब कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने का या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने की वजह से मॉर्टेलिटी होने का, यानी कि डेथ होने का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, आर्थरोस्क्लेरोसिस और थ्रोम्बोसिस। आर्थरोस्क्लेरोसिस वही होते हैं जो कि अभी हमने बताया था, प्लाक फॉर्मेशन को कहते हैं आर्थरोस्क्लेरोसिस। इसमें वही आर्टरी डिजीज़, आर्टरी के वॉल्स में प्लाक फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। थ्रोम्बोसिस क्या होते हैं, थ्रोम्बोसिस में ब्लड क्लॉट बनना शुरू हो जाते हैं। कोई भी अगर कोरोनरी आर्टरी के अंदर लीजन हो जाए, कोई ज़ख्म हो जाए, तो क्या होता है, जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो अपने साइटोकिन्स रिलीज़ करते हैं और उस ज़ख्म को वो करते हैं हील करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस बन जाता है आर्टरी के अंदर, ब्लड क्लॉट बन जाता है। ये भी इस वजह से भी जो ब्लड फ्लो होता है कोरोनरी आर्टरी का वो ग्रेटली रिड्यूस होता है। अब इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ का जो रिस्क फैक्टर होता है वो मोस्टली कब होता है, मेन में होता है 50 to 60 की एज में और वुमेन में होता है 60 to 70 की एज में, इनके ग्रेटर चांसेस होते हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ होने के, और मेल में जो है वो ज़्यादा होते हैं फीमेल के मुकाबले में इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस। अब इटियोलॉजी क्या होती है, यानी कि ये डिजीज़ कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं, कहाँ से ओरिजिन होता है इनका, इन डिजीज़ का। अब सबसे पहले तो ये आ जाता है जो मोस्ट केसेस में होता है, डिक्रीज कोरोनरी ब्लड फ्लो, वही वाली बात हो गई, किसी भी वजह से अगर कोरोनरी आर्टरी के जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज़ हो जाए तो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, एथरोमा आ जाता है, वही ब्लड वेसल्स के अंदर प्लाक फॉर्मेशन हो जाती है, या फिर आता है स्पैज़म ऑफ कोरोनरी आर्टरी, यानी कि इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाए, किसी भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वजह से कोरोनरी आर्टरी के अंदर इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाए,
थ्रोम्बोसिस यानी कि ब्लड क्लॉट बन जाए किसी कोरोनरी आर्टरी के अंदर, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाए। एम्बोलिज्म हो जाए यानी कि कोई भी बबल गैप आ जाए या किसी कोई भी ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाए कोरोनरी आर्टरी के ब्लड फ्लो में, और कोरोनरी आर्टरी राइटिस। इसमें क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी की जो वॉल्स होती हैं वो स्वेल करने लग जाती है, इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है इसमें। फिर दूसरी वजह क्या है, पहली वजह तो ये हो गई कि डिक्रीज कोरोनरी ब्लड फ्लो की वजह से हो सकती है इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। दूसरी वजह ये हो सकती है कि दूसरी वजह ये हो सकती है कि मायोकार्डियल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा बढ़ जाए, इंक्रीज़ हो जाए। जो हार्ट के सेल्स होते हैं मायोकार्डियम, उनकी जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स हैं वो बढ़ जाएँ, तो भी इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ हो सकती है। ये कब हो सकते हैं, जब ब्लड कार्डियक आउटपुट ज़्यादा इंक्रीज़ होने लग जाए। कौन सी कंडीशंस में, थायरोटॉक्सिकोसिस में। थायरोटॉक्सिकोसिस ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ होने लग जाता है, तो मायोकार्डियम जो हार्ट के सेल्स होते हैं उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज़ हो जाती है। इस वजह से भी इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ हो सकती है। इसके अलावा मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी, मायोकार्डियम है हार्ट के सेल्स हैं वो हाइपरट्रॉफी होने से लग जाती है, साइज़ में बड़े होने लग जाते हैं। ये कौन सी कंडीशंस में ऐसा होता है, एओर्टिक स्टेनोसिस में और हाइपरटेंशन में। हाइपरटेंशन की कंडीशन में और एओर्टिक स्टेनोसिस की कंडीशन में क्या होता है, मायोकार्डियम जो है वो हाइपरट्रॉफी होने लग जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं साइज में। तीसरी वजह ये है, कोई ऐसी कंडीशन हो जाए जिसमें बॉडी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा नहीं फ्लो कर पा रही होती, कम कर पा रही होती है। एनीमिया जैसी कंडीशन में, एनीमिया जैसे डिसऑर्डर्स में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो बॉडी में कम फ्लो कर रहा होता है, जिसकी वजह से इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस हैं। अब रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ होने के, इसमें ये होते हैं जिसके एज हो गई, जैसे कि 50+ अगर मेल की एज है तो ज़्यादा इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा फीमेल में 60+ अगर एज है तो ज़्यादा इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस हैं। इसके अलावा हाइपरलिपिडीमिया हो गया, अगर ब्लड में लिपिड की कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा है तो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस हैं। हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलिटस, सिगरेट अगर कोई ज़्यादा पीता है, सिगरेट स्मोकिंग है तो उसमें भी हार्ट डिजीज़ होने के, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गया, ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल यानी कि कोई एक्सरसाइज वगैरह कम होती है तो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस हैं। इसके अलावा हैवी अल्कोहल इनटेक जो है इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ करवाता है। अब इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में सबसे पहले आता है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस को कॉमनली कहा जाता है चेस्ट पेन। अब ये चेस्ट पेन क्यों होता है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की पहली टाइप आती है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस को कॉमनली चेस्ट पेन कहा जाता है। अब ये एंजाइना पेक्टोरिस होने की वजह से क्या होती है, ये सेम वही वजह कि जो मायोकार्डियल सेल्स होते हैं, जो हार्ट सेल्स होते हैं, उसमें इस्कीमिया हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन सप्लाई जो होती है वो कम होने लग जाती है। ये वजह क्या है, क्योंकि ब्लड फ्लो जो है वो कम होने लग जाता है हार्ट तक। और इसकी जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो ही है आर्थरोस्क्लेरोसिस, यानी कि जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें प्लाक फॉर्मेशन होने लग जाती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो ज़्यादा नहीं हो पा रहा होता हार्ट तक। हाउएवर एंजाइना जो है वो कुछ कम केसेस में ऐसा भी होता है कि एओर्टिक स्टेनोसिस की वजह से और हाइपरट्रॉफिक कार्डियो मायोपैथी की वजह से हो सकता है। एओर्टिक स्टेनोसिस का मतलब ये है कि ब्लड वेसल की जो वॉल है वो नैरो होने लग जाती है, उसमें इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है। और हाइपरट्रॉफिक कार्डियो मायोपैथी तब होती है जब कोई भी हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन है, जब कार्डियक आउटपुट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को, तो वो हार्ट रेट बढ़ा देती है, ज़्यादा ज़्यादा हार्ट जो है बीट करता है, जिसकी वजह से हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी हो जाती है। अब एंजाइना सिम्टम्स क्या होते हैं, उसमें ये होता है चेस्ट पेन होता है और डिस्कम्फर्ट फील हो रही होती है, चेस्ट के अंदर पेन होता है, हाथ में भी, लेफ्ट आर्म में जो है वो दर्द हो रहा होता है, नेक में, शोल्डर में और बैक पे भी हो रहा होता है। इसके अलावा नोजिया होता है, वॉमिटिंग जैसी कंडीशन होती है, फटीग होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, एनजाइटी होती है उस पर्सन को, स्वेटिंग होती है और डिजीनेस, चक्कर आ रहे होते हैं एंजाइना के साथ साथ, ये सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा जो चेस्ट पेन जो होता है एंजाइना में वो किस तरीके का होता है, प्रेशर महसूस हो रहा होता है दिल में, इसके अलावा दिल में भारीपन सा महसूस हो रहा होता है, हैवीनेस होती है, टाइटनेस हो रही होती है और ऐसा लग रहा होता है स्क्वीज कर रहे हैं कोई हार्ट। स्टेबल एंजाइना वो होता है जब चेस्ट पेन तब महसूस हो जब कोई हैवी वर्कआउट कर रहा हो इंसान, कोई हार्ड वर्क कर रहा हो, कोई हैवी वर्कआउट करे तब चेस्ट पेन महसूस हो, तो इसका मतलब ये स्टेबल एंजाइना है।
रेस्टिंग कंडीशन में नहीं महसूस होता चेस्ट पेन, तो ये स्टेबल एंजाइना है। स्टेबल एंजाइना की ड्यूरेशन कितनी होती है? 10 to 15 minutes, लेस देन 10 to 15 minutes होती है। स्टेबल एंजाइना के साथ क्या क्या एसोसिएट होता है? डायफोरेसिस होता है, यानी कि एबनॉर्मली स्वेटिंग हो रही होती है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा नोज़िया और एनजाइटी होती है। फिर इसके बाद टिपिकली रिलीफ का बहुत कैसे होता है स्टेबल एंजाइना? रेस्ट करने से और या नाइट्रेट्स की इंटेक करने से स्टेबल एंजाइना ठीक हो जाता है। स्टेबल एंजाइना होने की क्या क्या वजह है? इसको ईज कहा जाता है, यानी कि क्या क्या वजह है स्टेबल एंजाइना होने की? वजह से इमोशनल स्ट्रेस अगर ज़्यादा हो तो स्टेबल एंजाइना हो सकता है। एक्सर्शन, अगर वो कोई ज़्यादा हैवी वर्कआउट किया हो तो स्टेबल एंजाइना हो सकता है। या एक्सपोजर टू वेरी हॉट और कूल टेम्परेचर, इस वजह से स्टेबल एंजाइना हो सकता है। ईटिंग हैवी मील्स और स्मोकिंग, इस वजह से स्टेबल एंजाइना हो सकता है। वेरिएंट एंजाइना क्या होता है? अ स्पैज़म इन कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरी में स्पैज़म आ जाए। स्पैज़म मतलब इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं। तो जो कोरोनरी आर्टरी की जो स्मूथ मसल्स होती हैं उसमें इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाए तो वेरिएंट एंजाइना फील होता है। वेरिएंट एंजाइना जो है टिपिकली मिडनाइट या सुबह के 8 बजे जो है होता है पेशेंट्स को। कोरोनरी आर्टरीज का स्पैज़म होने की वजह ये हो सकती है कि एक्सपोजर टू कोल्ड टेम्परेचर, इसके अलावा इमोशनल स्ट्रेस, वही मेडिसिन डेड टाइटेंस और नैरो ब्लड वेसल्स, स्मोकिंग और कोकेन यूज़। अनस्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना की क्या वजह हो सकती है? स्पैज़म की वजह से भी हो सकता है या कोई पार्शल ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है कोरोनरी आर्टरीज में तो अनस्टेबल एंजाइना हो सकता है। अनस्टेबल एंजाइना ऐसी कंडीशन है जिसमें रेस्टिंग स्टेट में भी चेस्ट पेन महसूस हो रहा होता है। स्टेबल एंजाइना था जिसमें जब कोई पर्सन जो है वो हैवी वर्कआउट कर रहा था तब उसको चेस्ट पेन हो रहा था। और अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है? कोई अगर हैवी वर्कआउट नहीं भी कर रहा, रेस्टिंग स्टेट में भी है, तब भी उसको चेस्ट पेन महसूस हो रहा है, तो ये अनस्टेबल एंजाइना है। और ये जो अनस्टेबल एंजाइना जो है वो स्टेबल एंजाइना से ज़्यादा लास्ट लॉन्गर होता है, यानी कि ये 30 मिनट्स तक भी हो सकता है। और स्टेबल एंजाइना जो था वो लेस देन 15 मिनट्स था, 10 to 15 मिनट्स था। अनस्टेबल एंजाइना जो है वो कंप्लीट ऑक्लूजन भी कर सकता है कोरोनरी आर्टरी की, यानी कि कंप्लीट ब्लॉक भी कर सकता है कोरोनरी आर्टरी को, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो कि दूसरी टाइप है इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को कॉमनली कहा जाता है हार्ट अटैक। ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या होता है? ये इरिवर्सिबल नेक्रोसिस होते हैं हार्ट मसल्स के, यानी कि हार्ट के जो सेल्स होते हैं मायोकार्डियम, उनकी नेक्रोसिस होना शुरू हो जाती है, डिस्ट्रक्शन होना, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं इरिवर्सिबली, जिसकी वजह से क्या होता है प्रोलॉन्ग इस्कीमिया होने की वजह से, यानी कि अगर काफ़ी लंबे टाइम तक हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रही होती, इसकी वजह से इरिवर्सिबल नेक्रोसिस होना शुरू हो जाते हैं हार्ट मसल्स के, मायोकार्डियम के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन की सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सडन चेस्ट पेन, एकदम से चेस्ट पेन होने लग जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इसके अलावा नोजिया, वॉमिटिंग, पल्पिटेशन, स्वेटिंग होने लग जाती है, वीकनेस, लाइट हेडेडनेस महसूस होता है, इसके अलावा कोलैप्स। क्रॉनिक कंडीशन में क्या होता है? सवियर पेन होने लग जाता है, इसके अलावा टाइटनेस, प्रेशर महसूस हो रहा है। ये जो पेन जो है वो रेडिएट कर रहा होता है लेफ्ट शोल्डर में, आर्म में, नेक में और जॉ में। चेस्ट पेन जो है वो यूजुअली लास्ट करता है 15 मिनट्स से ज़्यादा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में, और रेस्ट करने से रिलीफ नहीं हो पा रहा होता। ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की टाइप्स हैं जिसमें ST एलिवेशन मायोकार्डियम दिखाया है, इसका ECG इस तरीके का होता है, और नॉन ST एलिवेशन मायोकार्डियम इस तरह का होता है जिसमें डिप्रेशन आ रहा होता है ST सेगमेंट में।